हाँ जी, सत श्रीकाल सारे नूं। मेरा नाम रुपिंदरजीत सिंह संधु। अज आप करांगे सारी एयर ब्रेक। सब तो पहला आप करांगे लो एयर वार्निंग चैक। लो एयर वार्निंग दे विच आपां सब तो पहला व्हील ब्लॉक लाउणे आ। व्हील ब्लॉक लगा के आपां दोवें ब्रेकां रिलीज कर लैणी आ। ठीक, लो एयर वार्निंग की आ? अपना जिहड़ा इहदे विच सिस्टम लग्या होया, जदों प्रैशर घटे लोअर वार्निंग ऑडिबल एंड विजिबल वार्निंग लाइट्स होनी चाहिए है। एग्जामिनर नू कहो माई लोअर वार्निंग मस्ट एक्टिवेट बिफोर 55 PS। करन तो पहले एग्जामिनर नू दस दो भी हुण मैं फैन डाउन करन लगा। माई लोअर वार्निंग मस्ट एक्टिवेट बिफोर 55 PS। स्टार्ट फैनिंग डाउन। अपनी ऑडिबल आ गई तो विजिबल वार्निंग लाइट आ गई। किन्ने दी आई है सेकेंडरी गेज देख लो 60 PS आई। उन्होंने एग्जामिनर को माई लोअर वार्निंग एक्टिवेट एट 60 PS विच इज़ एक्सेप्टेबल। इफ इट नॉट एक्टिवेट बिलो 55 PS आई, दैट इज़ द मेजर्ड फैक्ट। नैक्सट टेस्ट आप करा कंप्रैशर ऑपरेशन। कंप्रैशर ऑपरेशन वास्ते आप स्टॉप वॉच यूज़ करा। कंप्रैशर की आप स्लो बिल्ड रेट चैक करना। एग्जामिनर आप कहे आई विल चैक प्रैशर कंप्रैशर बिल्ड रेट। कंप्रेशर बिल्ड प्रेशर फ्रॉम 85 to 100 PSI विद इन 2 मिनट। आई विल स्टार्ट माई टाइमर वैन माई प्राइमरी गेज रीच एट 85। आई विल स्टॉप माई टाइमर वैन माई सेकेंडरी गेज रीच एट 100 PSI। हूँ अपनी 85 ते आ गई है, टाइमर स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर आप एग्जामिनर नूं कहना इन दिस टेस्ट आई विल कीप माई RPM बिटवीन 600 to 900। तुसीं एक्सीलेट कर सकते हैं लिटल बिट, नहीं करना ना भी करो, नो प्रॉब्लम। फिर जो सेकेंडरी गेज 100 की आ गई उदो आप टाइमर बंद करा। ओके, सेकेंडरी गेज 100 PSI, इट टुक 30 seconds विच इज एक्सेप्टेबल। इफ इट टेक मोर दैन 2 मिनट्स दैट्स माइनर इफेक्ट। जे ये 2 मिनट तो ज़्यादा टाइम लेंदा वा तो माइनर इफेक्ट। फिर आप करांगे गवर्नर ऑपरेशन। गवर्नर ऑपरेशन की है? गवर्नर ऑपरेशन इट हैज़ 2 stages, लोडिंग स्टेज अनलोडिंग स्टेज। फर्स्ट आई विल शो यू अनलोडिंग स्टेज विच इज बिटवीन 120 to 145 PSI। फिर आप ये वास्ते अपनों RPM 1000 जो रख लो 900 रख लो इज अप टू यू। जो अपना ए ड्रायर परज करूँगा इस विंडो ग्लास डाउन कर रहा हूँ। ये आप हम कर रहे हैं कट आउट प्रेशर चैक। ओके, माई ए ड्रायर पर्च विच इज एट 135 PSI एक्सेप्टेबल। इट इज बिटवीन 120 to 145 PSI। इफ कट आउट बिफोर 120 एंड आफ्टर 145 दस माइनर इफेक्ट। सेकेंड स्टेज हैगी लोडिंग स्टेज, फैन डाउन टू 100 PSI। फिर आप 100 से लैके आना RPM। 100 से आ गया RPM। फिर एग्जामिनर नूं दिखा देना वा माई गेजिज आर राइजिंग अप विच मीन्स गवर्नर पुट कंप्रेशर इन टू लोडिंग स्टेज। If cut in below 100 PSI, that's defect। ये तो मतलब अभी जे टैंक 100 तो थले भरने शुरू होना तो डिफेक्ट, माइनर डिफेक्ट, यू कैन से माइनर डिफेक्ट। ये हो गया अपना गवर्नर ऑपरेशन। हुण आपां करांगे ट्रैक्टर प्रोटेक्शन सिस्टम। उहदे वास्ते दोवें आपां ब्रेक सप्लाइड करके बाहर जाके आपां एयरलाइना डिसकनैक्ट कर देनियां दोनों। ऑलरेडी डिसकनैक्ट आ मेरी एयरलाइना। फिर जो वापस आना एग्जामिनर नूं कहना देर इज़ नो एयर लीकिंग फ्रॉम बोथ एयरलाइंस। फिर ट्रक बंद कर देना आपां। वास्ते तुसीं मैक्सिमम प्रेशर भी रख सकते हैं जां ऑपरेटिंग रेंज भी रख सकते हैं। ऑपरेटिंग रेंज 120 PSI। फिर आपां इहदे वास्ते इग्निशन ऑन कर लेना वा। सब तो पहले आपां रिलीज़ करनी है टेलर सप्लाई वाल्व।
ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਏਅਰ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਏਅਰ ਲੀਕਿੰਗ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਰੈੱਡ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲ ਮਸਟ ਪੋਪ ਆਊਟ ਬਿਫੋਰ 20 PSI ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਏਅਰ ਲੀਕ ਆ ਉਹ ਰੈੱਡ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲ ਵਾ ਆਪਣਾ ਉਹ 20 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੇਜ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ये पॉप आउट हो गया अपने आप बाहर आ गया ये किन्ने दे बाहर आया 60 PSI ते विच इज एक्सेप्टेबल अगर ये 20 तो थले आंदा फिर मेजर्ड फैक्टर जी फिर एग्जामिनर नू कह देना इफ इट कम आउट बिफोर बिलो 20 PSI दैट इज द मेजर्ड फैक्टर हुण इहदा सैकंड स्टैप आ फिर एग्जामिनर नू कहना जां तुसीं कह लो नाउ आई विल चैक ब्लू सर्विस लाइन जां तुसीं कह सकदे आ नाउ आई विल चैक माई ट्रैक्टर प्रोटैक्शन सिस्टम स्टिल वर्किंग ऑर नॉट फिर ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਟਰੈਕਟਰ ਸਪਰਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 PSI ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੈਲੋ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸਪਰਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 PSI ਰਿਲੀਜ਼ ਇਟ एंड वेट करनी है जिन्ना भी आप प्रेशर लूज करा जो भी आप कोई भी स्प्रिंग ब्रेक रिलीज करते हैं आप प्रेशर भी लूज करते हैं फिर आप प्रेशर मेनटेन रखना यद 100 तो अबव प्रेशर आ गया तो आप ट्रक शटडाउन कर उदू बाद इग्निशन ऑन करना इग्निशन ऑन करके आप फुट ब्रेक प्रेस करांगे हुण सर्विस ब्रेक फिर आप लिसन करांगे बार देर इज नो एयर लीकिंग फ्रॉम ब्लू सर्विस लाइन विच मीन्स माई ट्रैक्टर प्रोटेक्शन सिस्टम स्टिल वर्किंग इफ देर इज एनी एयर लीकिंग फ्रॉम ब्लू सर्विस लाइन दैट्स मेजर इफेक्ट फिर ब्रेक अप्लाई करके दोनों फिर आप बार जाके एयर लाइन रीकनैक्ट कर देंगे नाउ आई एम गोइंग आउट रीकनैक्ट बोथ एयर लाइन टेस्ट डन